अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ, मस्त हूँ। इस वक्त मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, 5:30 हो रहे हैं आई थिंक। और अभी हम लोग जो जाने वाले हैं, मेरी भतीजी का बर्थडे है आज। तीन दिन पहले मेरा बर्थडे था 23rd को, तो वो भी मैंने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। बट आई एम सॉरी मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आज का जो बर्थडे है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फैमिली के थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होंगे, शायद वो लोग कैमरा में ना आना चाहें, या पता नहीं बच्चे का भी क्या सीन होगा, लेकिन ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को इसी तरह से कंटिन्यू करूँ और आप लोग को बताऊँ कि मेरी भतीजी की जो सालगिरह की सेलिब्रेशन है वो कैसी रही। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी होंगी तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी सिर्फ नहा के आई हूँ, ऑफिस आई हूँ। ऑब्वियसली ठंडा ठंडा पानी, लेकिन पानी गर्म था, ठंडा नहीं था। लेकिन मौसम ज़्यादा से ज़्यादा सर्द हो रहा है और मुझे फ्लू भी हो रहा है, लेकिन कोरोना नहीं हो रहा, सिर्फ फ्लू हो रहा है क्योंकि ठंड लग गई है। स्कूटर पर आती जाती हूँ तो ऑब्वियसली सर्दी के कुछ ना कुछ सम्राट जो है वो मिलेंगे। अभी मेरी आवाज़ भी आपको बड़ी भारी सी और अजीब सी शो हो रही होगी, मतलब सुनाई दे रही होगी, शो तो नहीं होती। खैर चलिए, मिलते हैं आपको जब मैं रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आज आपसे छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का भी करवाऊंगी। सो गाइस, मैं हो रही हूँ रेडी। आई डोंट नो मैं आपको दिखाऊं कैसे, नहीं दिखाया जाएगा। सो मैं ऐसी लग रही हूँ, तो अभी जल्दी है निकलने के लिए, सब लोग रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। तो फिर मैं आपको वेन्यू पे पहुंच के सबके साथ आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी, और आपको अपनी भतीजी से अगर हो सका, उसकी मदर ने अगर परमिशन दी, तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर मिल पाऊंगी उसको। ठीक है, तब तक वेट करते हैं, अभी हम बस निकलने वाले हैं। सो हम लोग जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। कौन रह गया है? अबू भी रेडी हैं, अम्मी रेडी हो रही हैं ऑलमोस्ट, और लाइफ ऑफ सुभान। सुभान क्या है आपके चैनल का नाम? बताओ नाम। हाँ, सुभान शोए फूड सीक्रेट्स के ये जो हैं, ये होते हैं इनकी आवाज़ के पीछे दोनों। देखो मैंने बता भी दिया, ये दोनों हैं इसकी आवाज़ के पीछे। अभी हम लोग वेन्यू पे पहुँचेंगे। आप लोग रखा होगा शायद मैंने आटा मुंह पे मला हुआ, कुछ नहीं मला हुआ। हम इधर नहीं जा रहे, ये मस्जिद है, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। शो यू कैसी लग रही है सेटिंग्स। करेंगे, ये मेरी मदर है। हेलो,
ओके ये सुभान श्रेय फूड सीक्रेट्स वालों में से जिसकी आवाज़ आती रहती है जो बंदा खाने बनाता है वो ये देखिए ये बंदा है और ये है मेरे द फेमस फादर मेरे अबू जी मुझे हेलो बोल दो हेलो बोल दो हेलो मेरा व्लॉग है व्लॉग और ये मेरा भरा है जिसको हमें शर्म आती रहती है पता नहीं क्यों और सुभान जो है फूड सीक्रेट में जो आती हैं ज़रा बोल के दिखाएगा कैसे स्टार्ट करती हैं स्टार्ट कैसे करती हैं अस्सलाम वालेकुम बस आगे भी बोले अभी मैं कुकिंग नहीं कर रही चलिए कुछ ना कुछ बोले कि मैं इसको पकाने लगी नहीं आज तो हम अपनी नीस का बर्थडे सेलिब्रेट नीस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सबके सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये देखिए ये बच्चों के साथ जो है बर्थडे गर्ल किस तरह से मस्तियाँ कर रही है ए ये रही ये रही